पाइनएप्पल केक की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी देने जा रही हूँ। और ये पाइनएप्पल केक जो है वो आप विदाउट ओवन बनाएंगे, यानी इसको आपको बेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो है, मैंने 1 कप जो है वो पाइनएप्पल प्यूरी ले ली है। उसको मैंने पाइनएप्पल को ग्राइंडर में डाल के उसकी ये प्यूरी बना ली है मैंने। इसके साथ मैंने 2 कप जो है वो पाइनएप्पल जूस लिया है। 1 कप मैंने इसके साथ जो है वो पाइनएप्पल स्लाइसेस लिए हैं फॉर डेकोरेशन। एंड 6 टेबल स्पून मुझे शुगर चाहिए और 6 टेबल स्पून ही मुझे इसके साथ कॉर्नफ्लोर मैंने लिया है और 1 लीटर मिल्क लिया है। अब सबसे पहले मैंने इसके अंदर जो है वो 1 लीटर मिल्क डाल देना है। पैन में मैंने 1 मिलीलीटर मिल्क डाल दिया है। अब मैं इसको बॉईल करने से पहले ही मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूंगी और कॉर्नफ्लोर जो है मैंने 4 टेबलस्पून डाला है। 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाला है मैंने। और अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको विस्क से अच्छे तरीके से साथ साथ मिक्स करती जाऊंगी और फ्लेम जो है वो मेरा मीडियम है, आपने इसको मीडियम फ्लेम पे बनाना है और मैं इसको गाढ़ा होने तक पकाऊंगी। अब जब मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर और चीनी इसमें मिक्स कर दी है तो अब मैं इसको बहुत लो फ्लेम में पका रही हूँ और मैंने इसमें जो विस्क है वो मैं हिलाती जाऊँगी, यानी मैंने इसको ऐसे नहीं छोड़ना, इस तरह छोड़ने से इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। ये देखें, जब ये मुझे गाढ़ा होता हुआ नज़र आएगा तो फिर मैं इसको उतार लूँगी। अब इस स्टेज पर मैंने इसके अंदर 1 कप पाइनएप्पल जूस डालना है। ये 1 कप पाइनएप्पल जूस मैंने लिया था, ये साथ साथ मैं डालती जाऊँगी और साथ ही हिलाती जाऊँगी। इस स्टेज पे जब ये गाढ़ा हो जाए और देखें जैसे ये बबल आ रहे हैं, जब ये आना शुरू हो जाए तो हम इसको पैन से चूल्हे से उतार लेंगे। अब मैंने वो सारा मिक्सचर जो है वो मैंने इसमें डाल दिया है केक के लिए और अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी 2 घंटे के लिए। सबसे पहले जो है वो ये मैंने ये जो पल्प लिया था पाइनएप्पल का, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया, ये पाइनएप्पल पल्प था मेरे पास और मैंने इसको पैन पे रखा है। अब मैं इसके अंदर 1 कप जूस, जो पाइनएप्पल जूस था वो डाल रही हूँ और मैंने बहुत ही छोटी फ्लेम रखना है, वो छोटा आपने फ्लेम रखना है और साथ साथ इसको हिलाते रहना है। और इसके अंदर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर मैंने डाला है और इसको मैं विस्क के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मैं इसको बॉईल आने तक पकाऊंगी। चलिए, इस स्टेज पे जब ये इस तरीके से थिक होना शुरू हो जाएगा, ये देखिए ये, तो फिर मैं इसको उतार लूँगी। ये देखिए, अब ये जो मैंने बनाया है अभी सेकंड स्टेप में, ये जो मैंने पाइनएप्पल
प्यूरी के साथ जो मैंने बनाया है, अब मैं इसको इसी के ऊपर डाल दूँगी। और ये देखिए मैंने 2 घंटे सेट होने के लिए रखा हुआ था, अब उसके बाद मैं ये ऊपर से डाल दूँगी और इसको मैं मज़ीद 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। अब मैं इसको फ्रीज़र में 2 आवर्स के लिए सेट होने के लिए रख दूँगी। पाइनएप्पल केक पे ऊपर जो है वो क्रीम की आइसिंग जो मैंने आपको बताई थी, बस अब मैंने इसके ऊपर क्रीम की टॉपिंग की थी और अब मैं अपने केक को डेकोरेट कर रही हूँ। ये देखिए, और ये इसकी, अब मैंने ये फ्लावर्स बना लिए हैं, अब मैं इसमें एक एक करके पाइनएप्पल रख रही हूँ। ये देखिए, ये एक एक करके मैंने इसमें ये पाइनएप्पल रखा है। इस तरह से ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा पाइनएप्पल केक जो है वो बनकर रेडी हो गया है। और अब मैं साथ साथ एक एक चेरीज भी लगा रही हूँ। ये देखिए, और ये एक एक चेरीज जो है वो मैंने वो भी लगा दी हैं साथ में। देखें कितना ज़बरदस्त जो है वो पाइनएप्पल केक तैयार हो चुका है। और आप भी इसको बनाइए और इन्जॉय कीजिए। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।